अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमारे पैर और हमारे हाथ तो पत्थर के नीचे हैं ही, क्योंकि मेरा पति घर के पेपर्स गिरवी रख के भाग गया है। 2020 से एक ऐसा टाइम आया जहाँ हर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। इट इज़ नॉट जस्ट ड्रामा, इट इज़ रिलेटेबल। ये हर घर में होता है, थोड़े कम ज़्यादा प्रपोर्शन में होता ही है, बट इट जस्ट दैट वी शो इट एंड अदर्स डोंट। वो तेरी दीदी है या आत्या है? सॉरी, आत्या है पर ऐसे दीदी है। देखो, ये बच्चे मेरे लिए तो बच्चे ही है, इसके लिए उनको भी डांटती हूँ, कुछ भी बातें करती हूँ। हम ऐसे ही यहाँ एकदम मजा करते हैं। हमारे जिंदगी में जो दुख सुख जो सब हो रहे हैं वो सिर्फ इनकी बदौलत हो रहे हैं। वंदना को आधी रात में घर से बेघर किया कुणाल ने। कुणाल के हाथ लगे वंदना के घर की प्रॉपर्टी पेपर्स। कुणाल आधी रात में जा पहुंचता है वंदना के घर और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। ऐसे में वंदना दरवाजा खोलती है और कुणाल को सामने देखती है। कुणाल कहता है कि अब ये घर मेरा है, तुम सभी लोग इस घर से निकल जाओ। वंदना इमोशनल होते हुए रोती है और कुणाल को कहती है कि हम इस आधी रात में कहाँ जाए, और बहुत गिड़गिड़ाते हुए नजर आती है। मतलब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे वंदना सामना करेगी कुणाल का, और क्या वंदना की फैमिली वंदना का साथ देगी। तो यहाँ पे नन्ना मुन्ना राही हमारे साथ है। पहले तो कितना मजा आ रहा है सबके साथ काम करके आपको? बहुत मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता इतना मजा आ रहा है। सबके साथ यहाँ पे साथ में दीदिया भी है, क्या कहेंगे इनके बारे में कुछ तारीफ? सबके बारे में ये कहूंगा कि सबके साथ रहकर एकदम घर वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। मैं अपनी आई की गोदी में सो जाता हूँ, नींद आती है तब, आत्या के साथ खेलता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो यहाँ पे जो दीदी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये कहूँगा, दीदी ज़्यादा खेलती नहीं है पर थोड़ी चटपटी सी है दीदी। वो तेरी दीदी है या आत्या है? हाँ सॉरी, आत्या है पर ऐसे दीदी है। हाँ, ऐसे तो दीदी है। दीदी के साथ मैं चॉपस्टिक्स खेलता हूँ, यानी आई मीन आत्या। चलिए आई को देते हैं, आई से जानते हैं। मैं यहाँ आजी हूँ, मतलब इसके आजी, आत्या आजी। और क्या कहेंगे जैसे हम सीन देख रहे हैं? नहीं, मतलब अभी तो ये बच्चों के साथ तो मैं कर रही हूँ, इनको डांटती हूँ, मतलब सेट के पीछे जो अगर ये बच्चा खेलता है कुछ ऐसा ये करता है तो उसको डांटती भी हूँ। ये बच्चों को, ये बच्चे मेरे लिए तो बच्चे ही है, इसके लिए उनको भी डांटती हूँ, कुछ भी बातें करती हूँ। हम ऐसे ही यहाँ एकदम मजा करते हैं। और मज़ा आता है। तो साथी में क्या कहना चाहेंगे, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है बातें कुछ इंटरेस्टिंग सीरियल को? रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, एंड नॉट जस्ट एज ऑडियंस बट ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट, हम बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं जो भी प्रोसेस अभी चल रहा है। आई थिंक इसकी खासियत ये है कि हर एक कैरेक्टर इज़ सो प्रोफाउंड एंड सो यूनिक इन इट सेल्फ, कि वो स्टोरी में मिक्स हो के वो क्या बोलते हो, तड़का लग जाता है उसमें। तो एज एन ऑडियंस तो हमको रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बट एज एन आर्टिस्ट भी वी ऑल आर एन्जॉइंग अलॉट एवरी थिंग, लाइक सीन्स करना, इन बिटवीन सीन्स मस्ती करना, यू नो सेट पे साथ में बैठ के खाना। आई थिंक इट्स मोर ऑफ लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर 13 आवर्स का एवरी डे, एंड टच वुड आई एम वेरी ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड होप दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। कैसा नंबर है 10 ईयर्स? आपके किरदार जो आप प्ले कर रहे हैं उसमें क्या कुछ अलग देखने मिल रहा है ऑडियंस को? आई थिंक मृणाल इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टर। आई थिंक मैंने किसी भी शो में अभी तक कोई बहुत ही जेंजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप कैरेक्टर नहीं देखा। ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं शो में, एक बॉबी और एक मृणाल। सो आई थिंक दोनों ही कैरेक्टर्स बड़े यूनिक है क्योंकि दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आई थिंक इससे हमारा यूथ बहुत रिलेट कर पाएगा, यूथ ही नहीं आजकल सभी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आई थिंक वो एक यूनिक बात है जो यूनिक भी है बट उसमें एक रिलेटेबिलिटी भी है, क्योंकि आई थिंक 2020 से एक ऐसा टाइम आया जहाँ हर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये लड़की बहुत एम्बिशियस है बट एट द सेम टाइम शी इज़ अ लिटिल सेल्फिश, सो दैट्स वेरी, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू यू नो प्ले मृणाल। आई थिंक मृणाल का कैरेक्टर ऐसे है कि
उसको ही नहीं पता चलता कि वो कैसे कैसे टाइप का बिहेव करती है. शी इज हरसेल्फ सरप्राइज्ड विद द वे शी इज बिहेविंग इन एवरी सीन. शी इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल. Absolutely. Yeah. And as Garvita also, I'm surprised कि मृणाल कर क्या रही है. But it's so fun ना. बहुत ही unpredictable लड़की है वही. नहीं सही में मतलब वो कुछ भी बोल सकती है. In a very good way. Yeah. आ जाओ ये हमारी बंदू भी आ गई. आ जाना. पीछे से शक्लें बना रही है. इधर आओ. और ये इसकी बदौलत चल रहा है सब अभी जो. Sorry guys. चल रहा है. सॉरी गाइस सॉरी. हमारे जिंदगी में जो दुख सुख जो सब हो रहे हैं वो सिर्फ इनकी बदौलत हो रहे हैं. बट यू वेरी हैप्पी. आई थिंक द टीम इज अमेजिंग अमेजिंग. मतलब टच वुड ये जितना बोलो उतना. आई डोंट नो इट माइट साउंड वेरी मैकेनिकल और बहुत क्या बोलते हैं घिसा पिटा डायलॉग बट इट इज जेन्युइनली व्हाट वी फील. सीरियसली साथ में वंदना की आखिर बता रही है कि कितना. बट हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्यों वंदना को जो कुनाल है वो निकाल बोला. आप पूरी फैमिली को क्यों निकालना चाहता है घर से. उसके एक तो उनकी बनी नहीं है पहले से सीरियल में. और अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमारे पैर और हमारे हाथ तो पत्थर के नीचे हैं ही क्योंकि मेरा पति घर के पेपर्स गिरवी रख के भाग गया है. तो वो चीज़ उसे पता चलती है और वो उस चीज़ का कैसे फ़ायदा उठाता है टू यू नो जस्ट गेट बैक टू हर. और उसे ज़्यादा तकलीफ़ हो क्योंकि दे डोंट शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड. और वो क्यों वो नॉट अ वेरी गुड बॉन्ड कड़वा क्यों हो रहा है वो आपको आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा. और वो राइवलरी दुश्मनी तक क्यों जा रही है वो भी आपको आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा. और वो दुश्मनी निभाने के लिए ये सब कुनाल कर रहा है वो भी क्यों वो आपको आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा. हिंट ये है कि इसमें बहुत सारा फैमिली ड्रामा इन्वॉल्व है. बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. एंड आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट ड्रामा इट इज़ रिलेटेबल. ये हर घर में होता है थोड़े कम ज़्यादा प्रपोर्शन में होता ही है. बट इट जस्ट दैट we show it and others don't. So yeah. You also thank you so much. Thank you for giving time. Thank you. 9 baje Monday se Sunday sa plus pick. Thank you.